तो आज हम बात करें कैसे आर्टिस्ट लाइक अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और किंग के गानों में जो इतनी तगड़ी रिवर्ब लग रही होती है वो हम अपने गानों में कैसे कर सकते हैं इस सिंपल हैक से। तो गाइस, इस हैक के लिए हमें यूज करना है रिवर्ब और हम यूज कर रहे हैं जीपीयू ऑडियो का रिवर्ब जो कि फ्री रिवर्ब है। और बेस्ट चीज ये है, ये रिवर्ब आपके जीपीयू पे चलता है यानी आपके ग्राफिक कार्ड पे चलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जीपीयू ऑडियो की प्लगइन फिलहाल तो विंडोज पे है बट जल्द ही वो मैक ओएस के लिए भी आने वाली है। तो गाइस, इस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए आपको डालना पड़ेगा स्पेस टाइम बंडल और उसका लिंक आ रहा होगा यहाँ पे आपके सामने नीचे। और बेस्ट चीज ये, सिर्फ रिवर्ब नहीं मिलता उसके अंदर, आपको और भी ढेर सारी प्लगइन मिलती है लाइक ईक्यू, कंप्रेसर और भी बहुत सारी प्लगइन। तो जाके जल्दी से डाउनलोड कर लो, फ्री है सारी प्लगइन। तो गाइस, एक बार सबसे पहले हमारे ट्रैक को सुनकर देखते हैं। कोमल कोई बुको तेनो जाना के तुमिया हिरोला आलो हुआ बुको ते की जमाया खानी दिला। तो अभी आप सुन सकते हो कि वोकल्स काफी अच्छे से प्रोसेस्ड हैं बट वो ड्राई साउंड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बीट के साथ ग्लू नहीं हो रहे हैं। मैंने फेविकॉल ऑर्डर कर दिया, करनी है ग्लू। तो हम रिवर्ब प्लगइन के लिए जीपीयू ऑडियो का फ्री रिवर्ब को यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जीपीयू ऑडियो का प्लगइन काफी ज्यादा क्रेजी है जिसके अंदर आपको टाइम, साइज, प्री डिले, वाइड, मिक्स और बहुत सारे क्रेजी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक बार हमारे रिवर्ब को अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। तो जैसे हम नॉर्मली रिवर्ब को अप्लाई कर रहे हैं हमारे वोकल्स के ऊपर तो पूरे के पूरे वोकल्स मफल्ड साउंड हो चुके हैं। तो गाइस, जब भी हम रिवर्ब लगाते हैं तो होता ही है कि आपकी जो रिवर्ब होती है वो बंद नहीं होती और वो बाकी सारे वर्ड्स में भी ओवरलैप करने लग जाती है जिससे कि आपकी जो वोकल होती है काफी मफल्ड साउंड करती है। तो इस चीज से बचने के लिए अब हम यूज करेंगे अपना हैक। तो इस हैक को यूज करने के लिए हम सेंट ट्रैक या फिर एक ऑक्स ट्रैक को यूज करेंगे और हम रिवर्ब को डायरेक्टली वोकल्स पे नहीं लगाएंगे, हम अपने रिवर्ब को उस ऑक्स ट्रैक पे लगाएंगे। तो इस हैक के लिए हम सबसे पहले एक रिटर्न ट्रैक को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेंगे और रिटर्न ट्रैक को यहाँ से बना लेंगे। और यहीं पे अगर आप कोई और डॉ यूज कर रहे हो तो हो सकता है उसको रिटर्न की जगह, सेंड की जगह यहाँ पे ऑक्स लिखा हो। तो आपको एक ऑक्स या फिर रिटर्न ट्रैक को क्रिएट करना है और उस ट्रैक के ऊपर हम जीपी ऑडियो की फायर वर्ब को ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम वोकल के प्रीसेट को यूज कर लेते हैं यहाँ पे और एक लार्ज रूम रिवर्ब को चूज करते हैं जिसके अंदर हमारा टाइम ज्यादा हो, डिके टाइम। और क्योंकि हम एक सेंड पे रिवर्ब लगा रहे हैं इसलिए हम मिक्स नॉब को फुल कर देंगे। और एक बार हमारे ट्रैक को सुनकर देखते हैं और यहाँ से रिवर्ब सिग्नल को भेजते हैं। थोड़ी सी ब्राइट लग रही है रिवर्ब, थोड़े मिड पे लेके आते हैं इसको। तो आप सुन सकते हो अभी काफी ज्यादा मफल्ड साउंड कर रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिवर्ब के आगे हम एक लगाएंगे कंप्रेसर को और उसको साइड चेन करेंगे हमारे वोकल्स से। तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, साइड चेन पे क्लिक करेंगे और इनपुट सिग्नल में हमारे वोकल्स को चूज कर लेंगे। तो होगा क्या, जब जब वोकल्स आएंगे तब तब ये कंप्रेसर हमारे रिवर्ब को कम कर देगा और जब जब वोकल्स रुक जाएंगे तो रिवर्ब उठ के खुद ही बाहर आ जाएगी जिससे एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्रिस्प वोकल रिवर्ब को हम क्रिएट करेंगे। थ्रेशोल्ड को नीचे लेके आते हैं और हमें एक लास्ट चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे अटैक और रिलीज है वो बहुत ज्यादा फास्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो जिससे रिवर्ब के ऊपर एक स्मूथ डकिंग इफेक्ट क्रिएट हो और वो अबनॉर्मल ना लगे। और गाइस, अब हम क्या करते हैं, हम जीपी ऑडियो की डिले को भी यूज करते हैं और उस पर भी सेम ही इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। वापसी से जाते हैं, अपने जीपी ऑडियो की प्लगइन ऐड करते हैं
और आप देख सकते हो ये डिले भी काफी ज्यादा क्रेजी लग रही है। और बेस्ट पार्ट है सारे के सारे प्लगइन्स फ्री हैं। और अब मेक श्योर करते हैं कि हमारा लिंक बटन ऑन हो जिससे हमारा लेफ्ट चैनल और राइट चैनल पे डिले सेम ही तरीके से काम करे। और हम सिंक बटन भी ऑन कर देंगे जिससे हमारा टाइम जो है वो बीपीएम से सिंक रहे। और कहीं ना कहीं हम 1/4 पे डिले लगा देते हैं 1/2 पे। और अब फिर से हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ से हम एक सिग्नल को भेजे डिले के ऊपर। तो ये वाला जो नॉब है वो है रिटर्न ट्रैक ए के लिए और ये वाला जो नॉब है वो है रिटर्न ट्रैक बी के लिए। EQ लगा बस को थोड़ा ब्राइट करते हैं। आपको डिले सुनाई दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं सेम ही कंप्रेसर को हमारे डिले के ऊपर भी ऐड कर देते हैं जिससे क्या होगा डिले अपने आप डक हो जाएगी जब वोकल्स आएंगे और जैसे ही वोकल शांत हो जाएंगे एकदम से डिले बाहर को आ जाएगी। फिर से रिटर्न ट्रैक ए पे जाते हैं, इस कंप्रेसर को लेते हैं, कॉपी करते हैं और रिटर्न ट्रैक बी पे पेस्ट कर देते हैं। ये बस सुनकर देखते हैं वोकल्स को, थोड़ा सा सिग्नल कम भेजते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेशन करते हैं। तो एक बार आप वोकल की रिवर्ब और डिले पे ध्यान देना, जब जब वोकल्स प्ले हो रहे हैं तब तक वो काफी कम है, जैसे ही वोकल रुकते हैं एकदम से वो बाहर को आ जाते हैं जिससे वो एकदम लशी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो गाइस उत्कर्ष ने हैक तो बता दिया लेकिन एक बारी बिफोर आफ्टर सुन के देखते हैं कि कुछ फर्क है भी कि नहीं है। Alright guys, तो वीडियो आप लोग वीडियो बड़ी लगी होगी और समझ आया कैसे आप ये हैक कर सकते हो। तो जो हमने प्लगइन्स यूज करी है सारी की सारी फ्री है और ये आती है जीपी ऑडियो से। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक भी आ रहा है और नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ इसको डाउनलोड कर लो। और क्या करना होता है, नीचे होगा लाल कलर एकदम सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोको, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग तुम्हारी वेबसाइट आ रही होगी बेसरा.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।